आज हम बनाएंगे आलू टिक्की चाट। आलू टिक्की चाट बनाने के लिए हमने लिए हैं 4 मीडियम साइज के आलू। इसे उबालकर हमने मैश करके रखे हुए हैं। दही इसे भी फिट कर रखा हुआ है। बारीक सेव, तेल, हरी चटनी, एक प्याज बारीक कटा हुआ, एक टमाटर बारीक कटा हुआ, थोड़े से मूंगफली दाने इसे हमने भूनकर क्रश कर लिए हैं, अरारोट, सादा नमक, लाल मिर्च पाउडर, काला नमक, काली मिर्च पाउडर, हरा धनिया बारीक कटा हुआ, चाट मसाला, इमली की चटनी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आलू में ये 2 चम्मच अरारोट डालेंगे, ये मूंगफली दाने डालेंगे 4 चम्मच, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सादा नमक, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर और धनिया। इन सभी को हम अच्छी तरह मिला लेंगे। ये देखिए हमने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है। अब हम इसकी टिक्की बनाते हैं। इस तरह ये देखिए हमने टिक्की बनाकर तैयार कर ली है। अब हम गैस ऑन करते हैं। तेल थोड़ा गर्म हो जाए। देखिए तेल गर्म हो गया है और इस पे टिक्की रखेंगे। दोनों तरफ से हमें सेकना है। एक तरफ से ये सिक चुकी है। अब हम टिक्की को पलट देते हैं। इस तरह सभी टिक्कियों को हम पलट देंगे। ये देखिए हमने टिक्की पलट ली है। हमें दोनों तरफ से टिक्की को अच्छी तरह करारी सेकनी है। पर से भी अच्छी तरह सेक जाए। देखिए टिक्की सिक गई है दोनों तरफ से अच्छी तरह। अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरह बाकी की जो टिक्की है उनको भी सेक लेते हैं। देखिए हमने सारी टिक्कियां सेक के निकाल ली हैं। अब हम इन्हें सर्व करेंगे। सबसे पहले हरी चटनी डालेंगे। फिर ये इमली की चटनी, दही डालेंगे, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च, काला नमक, प्याज, टमाटर, सॉरी हम जीरा पाउडर बताना भूल गए थे। जीरा पाउडर, ये भुना हुआ जीरा पीस के रखा हुआ है। जीरा पाउडर डालेंगे। फिर इस पर चाट मसाला डालेंगे, धनिया डालेंगे और सेव डालेंगे। ऊपर से थोड़ा थोड़ा काला नमक
और डालेंगे। ये टिक्की चाट बनकर तैयार है, अब आप इसे सर्व कीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट छोड़ें। थैंक यू।